आपे ट्रेन में भजन कीर्तन करती दिखी महिलाएं, जनता ने उठाए नमाज को लेकर सवाल। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज अदा करने को लेकर कई लोगों द्वारा आपत्ति जताई जाती है और नमाज रोकने का प्रयास किया जाता है। प्रशासन द्वारा कुछ जगहों पर एक्शन भी लिया जाता है। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया जिसमें महिलाएं ट्रेन में सफर के दौरान भजन कीर्तन का पाठ करती नजर आ रही हैं। वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया। वहीं कई लोगों ने इस पर आपत्ति जताई कि जब ट्रेन में भजन हो सकता है तो नमाज पर रोक क्यों? पत्रकार अहमद कबीर ने वीडियो पोस्ट करके पूछा, ट्रेन में नमाज पढ़ना गुनाह है तो ये क्या है? दिल्ली से बांद्रा गरीब रथ एक्सप्रेस। खुशबू खान नाम की एक ट्विटर यूजर लिखती हैं, ट्रेन में भजन बजाना ठीक है, सड़कों पर होली खेलना ठीक है, एयरपोर्ट पर हवन करना ठीक है, लेकिन एक कोने या निजी स्थान में सलाह नमाज पढ़ना एक क्रमिक अपराध है, क्या पाखंड है? जफर नाम के एक शख्स ने लिखा, अहमद ने शायद ये वीडियो पोस्ट नहीं किया होता अगर ये महिलाएं अंताक्षरी खेल रही होती, क्योंकि भजन गा रही हैं तो उन्होंने तुरंत उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। हालांकि भारत में ट्रेन में नमाज पढ़ना अपराध नहीं है, लोग ट्रेन में नमाज पर आपत्ति करते हैं, वैसे ही आप इस भजन पर आपत्ति कर रहे हैं। आनंद मुखर्जी नाम के एक शख्स ने लिखा, अपने स्थान पर बैठकर नमाज पढ़ने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन रास्ता बंद होना ठीक नहीं है, निश्चित रूप से आप सहमत होंगे। हेलेना नाम के ट्विटर हैंडल से वीडियो के संबंध में कहा गया, दरअसल दोनों गलत हैं, ये ट्रेन में वॉल्यूम से परेशान कर रहे हैं और मुस्लिम जगह रोक कर नमाज पढ़ रहे हैं, धर्म और भक्ति को गोपनीय रखना चाहिए। एक और ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, जनता की परेशानी असली मुद्दा है, अब फर्क देखिए, भारत में किसी को किसी की पूजा या इबादत करने में कोई आपत्ति नहीं है। उमंग जैन नाम के एक शख्स ने लिखा, इज्जत से बिना किसी को तकलीफ दिए आप चाहे जो सब कर सकते हैं। ट्रेन में भजन कीर्तन के वायरल हो रहे इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि देश दुनिया से जुड़ी तमाम वायरल खबरें हम आप तक पहुँचाते रहें।